हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकसम मैजिक। तो भाई आज कुकसम मैजिक में बन रहा है मुरमुरे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, वो भी सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुरमुरे से नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं ये एक बोल मुरमुरे। अगर ग्राम्स में देखे जाए तो ये 100 ग्राम के आसपास है। तो इतने मुरमुरे से कम 2 से 3 बंदों का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको डालते हैं एक बड़े से बर्तन में और पानी डाल के हम इनको अच्छे से धोएंगे। बढ़िया से पानी डाल के इनको अच्छे से धोना है। बहुत ज्यादा देर इनको पानी में डिप नहीं रखना है, सिर्फ इसको हल्का सा धो करके और बस निचोड़ के एक साइड पे निकालना है। काफी देर तक पानी में इसको डिप करके नहीं रखना है। बस हल्का सा इस तरीके से धोया और इसको रखते हैं साइड पे और इसको बिल्कुल से ऐसे निचोड़ के, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, बस इस तरीके से इसको निचोड़ते जाना है और एक अलग बर्तन में निकालते जाना है। बस ऐसे करके सारे मुरमुरे निकाल लेती हूँ मैं इसको निचोड़ के। ये देखिए इस तरीके से, बस ये देखिए सारे मुरमुरे मैंने अच्छे से पानी में से निचोड़ के एक साइड पे रख लिए। अब चलिए इसको रखते हैं साइड पे और आगे बताती हूँ मैं क्या करना है। यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और उसमें मैं डालूंगी भुने हुए चने जो आते हैं ना, ये मेरे पास आज छिलके वाले थे, थोड़े से छिलके मैंने इनके हटा लिए हैं और इनको यूज किया है। आपके पास बिना छिलके वाले प्लेन वाले हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको डालेंगे इस जार में और उसके साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्च और उसके साथ डालेंगे बिल्कुल ये 1/4 चम्मच चीनी, शक्कर जिसे बोलते हैं, और साथ ही में डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, ये डालेंगे 2 चम्मच कम से कम भी नहीं तो, अच्छा सा भर भर के 2 चम्मच। अब इसका ना ग्राइंड करके हम एक बढ़िया सा मसाला बना के तैयार करेंगे जो कि हम आगे इस मुरमुरे की जो रेसिपी है ना हमारी नाश्ता उसमें यूज आएगा। इस पर लगाते हैं ढक्कन और बनाते हैं मजेदार सा मसाला। ये देखिए खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, इतना मजेदार सा मसाला ना ये बन के तैयार हो गया है। बस इसको हमें ना बिल्कुल एकदम चूरा नहीं करना, एकदम बारीक नहीं पीसना, ऐसा ना दरदरा कोर्स पाउडर है ना, बस ये होना चाहिए तो खाने में ना स्वाद बिल्कुल डबल हो जाएगा। और ये पाउडर जो मैं बना रही हूँ ना इस नाश्ते में डालने के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप जरूर से बनाना। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनके तैयार होगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा नाश्ते में। तो इसको भी रखते हैं साइड पे और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है तड़का लगाने के लिए और उसमें मैंने एक करछी ऑयल डाला है। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ये मूंगफली ली है जो कच्ची वाली मूंगफली आती है ना, बस वही ली है, इसको इसमें डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से थोड़ा सेकेंगे। बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से मूंगफली को सेकना है, तेज गैस नहीं करनी है क्योंकि जैसे ही गैस तेज करेंगे ना तो फिर ये जल जाएंगी और अंदर से कुक नहीं हो पाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेते हैं। तो चलिए मूंगफलियां हमारी कुक हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ना चटक चटक किसी आवाज आ रही है इनमें, बस इतना ही कुक करना है हमें इनको। उसके साथ में डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच जीरा और साथ ही में डालेंगे ये 1/2 चम्मच के आसपास राई। तो इसको भी सौते कर लेते हैं, मूंगफली के साथ में राई और जीरा चटकने देते हैं, थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। चलिए अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं, ये करी पत्ते इसमें डालूंगी। ये करी पत्ते का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही अच्छा आता है, मजेदार सा। करी पत्ते भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये करी पत्ते आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर से डालें, बहुत मजेदार बहुत टेस्टी फ्लेवरफुल नाश्ता बनने वाला है ये। ये डंडी भी आ गई, इसमें इसको निकाल देती हूँ साथ ही में। अब मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी ये प्याज, ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और इसको छोटा छोटा कट किया है। आप छोटे हो तो आप 2 प्याज भी ले सकते हो। आप इसको भी कट कर लेते हैं। ये देखो बढ़िया तरीके से इनको मजेदार सा, मतलब बहुत ज्यादा इनको ऐसा ब्राउन सा नहीं करना है, हल्के से बस कुक हो जाए थोड़े से, बस इतने भर तक। और ये काम जो मूंगफली हमने करी थी ना वो लो फ्लेम पे करी थी, उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मीडियम। तो मीडियम फ्लेम पे बाकी का काम करना है हमें, फुल नहीं करनी है। तो ये प्याज भी हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए, बस इतना तक ही हमें पकाना है, बहुत ज्यादा इनको गलाना या ब्राउन करना नहीं है।
उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने लिए हरी मिर्च, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिए है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो 1 हरी मिर्च का यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे स्किप मत करना, 1 का यूज जरूर से करना, क्योंकि हम इसमें जो है ना पाउडर वाली रेड चिली जो है ना उसका यूज नहीं करेंगे। जो मिर्च मैंने उस मसाले में डाली है ना, बस उतना ही यूज होगा मिर्च का। तो वो आपकी मर्जी है, आप मिर्च कितनी खाना चाहते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं सौते, अच्छे से बढ़िया से सेक लेते हैं इसको भी। मुरमुरे का ऐसा नाश्ता शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा मेरे हिसाब से, और एक बार जरूर से बना के खाना मेरी रेसिपी देख के, मतलब जो मेरी वाली रेसिपी है ना वो बहुत स्पेशल रेसिपी है, इसको देख के जरूर से बना के खाना। इतना मजेदार, इतना टेस्टी, प्लस हेल्दी, सबसे बड़ी चीज। तो ये हरी मिर्च भी कुक हो गई हमारी, थोड़ी सी सिक गई है अच्छे से। अब इस टाइम पे मैंने क्या किया, इस टाइम पे मैंने क्या लिया, टमाटर, एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, छोटे हो तो 2 ले लेना। और इसको भी इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और टमाटर को थोड़ा सा ना हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, हल्का सा थोड़े कुक हो जाए, मतलब 2 से 3 मिनट कम से कम इसको कुक करना है। चलिए मिक्स कर दिया इसको, टमाटर भी मिक्स हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, यहां डालूंगी ये 1/2 चम्मच के आसपास नमक, ताकि टमाटर और अच्छे से और जल्दी कुक हो जाए। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हो। और साथ में मैं डालूंगी इसमें ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बस इतना ही। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से सारा मिक्स हो चुका है, हल्का सा ऐसा थोड़ा सा दबा के ना टमाटर को कुक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर लेंगे दबा के, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना चाहिए हमें। चलिए तो कुक होने देते हैं 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए टमाटर भी मेरे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी हींग। ये मैंने बाद में इसलिए डाली है ताकि हींग का जो फ्लेवर है ना वो इस नाश्ते में थोड़ा सा खुल के आए, एकदम थोड़ा रॉ फ्लेवर जो होता है ना बस वो आए, बहुत अच्छा लगता है जब हींग का रॉ फ्लेवर आता है ना किसी भी नाश्ते में या सब्जी में, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मर्जी आपकी, पहले भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस टाइम पे डाला है। अब मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम जो हमने मुरमुरे भिगोए थे ना बस इनको डालना है हमें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने मसाला बनाया ना ये मसाला भी डाल दूंगी मैं। ये देखिए ये मैंने जो मसाला बनाया है, जो पीसा था ना भुने चने वाला, तो 3 से 4 चम्मच डाल देते हैं। अगर हमें लगेगा कि और रिक्वायरमेंट है तो फिर बाद में डाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने बड़े बड़े भर के 4 चम्मच डाली है। तो मिक्स कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो चलिए अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टाइम पे बस 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं। यहां मैं डालूंगी ये हरा धनिया, ये देखो बढ़िया से हरे धनिए से इसको सजाएंगे, क्योंकि हरा धनिया जो है ना किसी भी चीज का फ्लेवर बिल्कुल डबल कर देता है, तो इसको जरूर से डालना। और साथ ही ये लिया है मैंने नींबू का रस, 1 नींबू का रस है, बस इसको किस तरीके से छान के डाल देते हैं, थोड़ा सा बीज ना आए बस। तो चलिए बढ़िया से कर लेते हैं इसको मिक्स, और रेडी है हमारा मुरमुरे का मजेदार सा टेस्टी नाश्ता। अब मैं करती हूँ इसको सर्व, करती हूँ इसकी प्लेटिंग, और आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से प्लीज इसको लाइक शेयर करना। लीजिए बनके तैयार है हमारा मुरमुरे का स्पेशल नाश्ता, मजेदार सा टेस्टी और हेल्दी। आप घर में बनाइए मेरी वीडियो देख करके, अपने फैमिली को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, और खूब वाह वाह लूटिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कुक सम मैजिक।